सो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का धीरेश सर लाइव स्टडीज यूट्यूब चैनल पर एक नई शुरुआत तो फिर से एक लव टू पॉइंट के साथ काफी दिनों से आपको इंतजार था कि कब से एम एस टी सी टी की रिविजन शुरू होगी और अब वो पल आ गया है जब लगातार बार बार आपके एम एस टी सी टी के पोर्शन को हम करेंगे कंप्लीट मजेदार लेक्चर्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस और डीपीपी के साथ हाँ भाई हाँ सिर्फ लेक्चर ही नहीं होंगे अब लेक्चर के साथ आपको मिलेगा हर एक चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट उस टेस्ट को लेने के पहले हम आपको देंगे उस टेस्ट को लेने के पहले हम आपको देंगे हर लेक्चर में डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसको सॉल्व करके आपका कॉन्फिडेंस होगा और बूस्ट और ये जो सीरीज है यहां पर मैं मैथ्स ले रहा हूं हफ्ते में तीन दिन जो है मैथ्स आएगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और बचे हुए तीन दिन में केमिस्ट्री आएगा इसी जगह से इसी बोर्ड पर इसी टाइम पर तो सो जो बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री से डर लगता है साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता तो उनका केमिस्ट्री जो है वो आसान होने वाला है केमिस्ट्री का डर दूर होने वाला है और मैथ्स में तो मेरे प्यारे बच्चों को डर लगता ही नहीं है जो मुझसे हमेशा सीखते हैं इतना ही नहीं हमारे चार्ट में मुकेश सर आ चुके हैं तो स्वागत है मुकेश सर आपका हमारे लेक्चर में छे से सात बजे हफ्ते में तीन दिन फिजिक्स तीन दिन बायो तो ये टाइम टेबल हमने कम्युनिटी में शेयर किया है कल भी दिया था हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पर चैट में आ रहा है इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो सारे लेक्चर्स सा आपको पता चलेंगे कैसे मिल रहे हैं तो बहुत मजा आने वाला है कुछ बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि पहले चैप्टर से अगर लेक्चर स्टार्ट होता तो बड़ा मजा आता। अरे बच्चों मैंने चार बार एम एस टी सी हमारे चैनल पर सिखाई हुई है पहले चैप्टर से ही आप लोगों के लिए शुरू किया था हमने दो महीने पहले फिर आपके ट्वेल्थ के लिए ब्रेक दिया था चार चैप्टर ट्वेल्थ के हुए लॉजिक मेट्राइसिस ट्रिगो और डिफ्रेंशिएशन वो हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कंटिन्यू कर रहा हूं तो बहुत मजा आएगा थोड़ा सा कष्ट ले लो उसको रिकॉर्डेड में देख लो बाकी तो यही चीजें रिकॉर्डेड सब अवेलेबल थी फिर भी हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 में आए हुए क्वेश्चन सब लेने वाले हैं यस yes, पिछले साल आपको तो पता ही है बहुत मजा आया था बहुत सारे जो बच्चे हैं उन लोगों ने नाइनटी परसेंटाइल से ज्यादा कितने तो बच्चे नाइनटी नाइन परसेंटल से ज्यादा लाए थे बहुत मजा आया महाराष्ट्र के सभी टॉप कॉलेज में हमारे स्टूडेंट चलो ये तो था इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं क्या शुरू करेंगे एक लव्य के अंदर हमारा मैथ्स का जो ये चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ आप डेरिवेटिव इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर थर्ड है क्यों सर लेक्चर नंबर वन का आ गया दो लेक्चर हुए थे बट आप लोग थोड़ा सा बोर्ड की एग्जाम्स को लेके इमोशनल हो गए थे तो उसके वजह से हमने इस सीरीज को थोड़ा ब्रेक दिया था ये ब्रेक ये जो सीरीज है हो रही रिज्यूम आएगा मजा और जो बच्चे 2.0 में आए हैं जो बच्चे एमएचटीसीटी 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो भी फ्री में भाई क्या स्कीम है फ्री में सर आप दोगे इतना कुछ अरे यार तू जुड़ तो सही तू देख तो सही लोग कहते हैं एक दो लेक्चर डेमो दे दो भाई तेरे लिए सब कुछ डेमो ही है जितना डेमो देखना देख, उसके बाद तू हमसे ज्वाइन जोईन ज्वाइन हो, करने का कोई पैसा नहीं है फ्री है, यूट्यूब और वेबसाइट और हमारे जो टेलीग्राम में सारा कंटेंट आएगा अब आओ चलो इस जो चैप्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट भी रिवाइज किया जाए थोड़ा सा हम कंसेप्ट रिवाइज कर दे हैं तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसे कि आप जानते हैं डिफ्रेंशियन चैप्टर मैथ्स मैथ का पहला चैप्टर 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 है है बहुत बड़ा बड़ा सर अरे बड़ा नहीं है चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बहुत चीजें तो वही है क्या है चैन रूल से डिफ्रेंशिएट करो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करो पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन करो हाईअर ऑर्डर हाईअर ऑर्डर डेरिवेटिव इनका चीजें वही है यू इंटू वी रूल वगैरह बट एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर पचास पचास क्वेश्चन है

कि अगर आपको कोई टेंजेंट या नॉर्मल दिया है क्या दिया है कोई टेंजेंट या नॉर्मल दिया है तो उसका स्लोप जो होता है टेंजेंट का स्लोप किसी कर्व के ऊपर ऐसे कोई कर्व है तो इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होता है इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो इस कर्व का डेरिवेटिव होता है डीवाई बाई डी एक्स होता है ये हमने स्टार्टिंग के दो लेक्चर के पहले देख लिया था बेसिक्स वगैरह ओके ये टेंजेंट का स्लोप होता है नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस वन तो ये सारी चीजें आप कर चुके हो आपको आता है ठीक है तो अभी इसका यूज और कहां पे होता है टेंजेंट 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 के के लिए टेंजेंट का का टेंजेंट का स्लोप स्लोप और और नॉर्मल नॉर्मल निकाल इक्वेशन निकालना ओके नॉर्मल का इक्वेशन और टेंजेंट का इक्वेशन तो ये भी सब आपने सीखा है मैं सब कुछ पिछले लेक्चर में बता चुका हूं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर रेट मेजर निकालने के लिए बोलता है जैसे कि डिस्प्लेसमेंट पता है और कहा वेलोसिटी निकालो तो इस डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम किया तो acceleration आ गया, कभी कभी हमें circle दे देगा, बोलेगा कि भाई circle का area तो आपने को पता है r square होता है, होता तो बोलेगा rate of change of area निकालो डीए बाई डी टी रेट मतलब with respect to time. तो आप क्या करोगे टू पाई आर फिर आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी करना टी है नहीं आर इज अ फंक्शन ऑफ टी तो ऐसे हम लोग रेट मेजर में देखते हैं और क्या होता है रेट मेजर ये हो गया इसके अलावा हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ डिलीटेड टॉपिक है जो ट्वेल्थ में नहीं था एमएसटी में भी नहीं होगा एमएसटी में भी नहीं होगा कौन सा ऐसा टॉपिक था वो जिसमें हम लोग देखते थे टॉपिक में आपको बताता हूं एक था अप्रोक्सीमेशन ए अप्रोक्सीमेशन इसका मतलब क्या करना होता था फाइंड दी एप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसे कि आपको बोला 3.2 रे टू 9 निकालो तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आप बेसिकली 3.2 को 3.2 में 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो लेकिन इसको डेरिवेटिव का यूज करके हम सिंपली इसका आंसर ला सकते हैं लेकिन ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपका सेकंड एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है सेकंड थर्ड सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज और क्या था हमें यहां पर था लेग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम ये दो थ्योरम आपकी बुक में जो डिलीट हो गए तो ये ट्वेल्थ में नहीं है ना आपके लिए अब इस साल के बच्चों के लिए 2022 के लिए तो आपको सीटी में भी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या हमारे डिलीटेड क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आएंगे लेकिन सीटी में आएंगे क्या तो भाई मेरे जो आपको 12th के लिए डिलीट हो गया है वो क्वेश्चन एम में भी नहीं पूछा जाएगा एकदम बिंदास होकर पढ़ने का ट्वेल्थ का ही कंटेंट एमएसटी के लिए है तो ये चीजें डिलीट है ये नहीं पढ़ना है। तो अब दो चीजें आपको मेन इस चैप्टर में है कि कोई भी फंक्शन आपको दिया है वो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पता लगाओ मतलब क्या कि अगर कोई एक एफेक्ट दिया हुआ है तो हमें बताना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज होना मतलब होता है बढ़ना इंक्रीजिंग मतलब समझ समझ रहे हो, समझ रहे हो हो जैसे आपके मार्क्स बढ़ते हैं ना एग्जाम में वो और डिक्रीज मतलब क्या होता है कम होना अब आपको दिनेश के लेक्चर मिल गए अब आपकी चिंता कैसे कम हो रही है टेंशन कम हो रहा है उसको बोलते हैं डिक्रीज होना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इंक्रीज होना तो कोई फंक्शन जो होता है ना वो फंक्शन भी इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है इंक्रीज मतलब बढ़ता है डिक्रीज मतलब कम होता है तो कैसे पता करना मैंने बताया हुआ है फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो एफ एक्स का डेरिवेटिव डैश एक्स ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो इस डेरिवेटिव की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है जीरो से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है प्लस में है तो हम बोलेंगे वाह हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है भाई समझ रहे हो कि नहीं अच्छा ताई भी है ओ ताई भागा, इंक्रीज होते तो है मंजे का है ये जो फंक्शन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है कस समझ सर अरे बग ना दादा ओ ताई इकड़े बग या फंक्शन चेरिवेटिव घेला कुठे डेरिव्हेटिव्ह सर दिसत नाहीये अग बाई हे बघ इथे डॅश आहे ना डॅश म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह असतो फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला त्यांची त्याची किंमत प्लस मध्ये सर कसं समजणार झिरो पेक्षा जास्त आहे अरे बाळांनो इथे बघा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि तुमची किंमत आली फाईव्ह म्हणजे प्लस फाईव्ह म्हणजे हे काय आहे हे झिरो पेक्षा जास्त आहे समजलं असं असेल तर आम्ही म्हणणार की फंक्शन इनक्रीजिंग है फंक्शन इज इनक्रीजिंग जर डेरिवेटिव अपन काड़ला आंसर आल माइनस मध्य ओके <coughs> मंजे जीरो पेक्षा कमी आहे निगेटिव आहे मंजे आपन सांगणार की फंक्शन इज डिक्रीजिंग बस ये उड़च समझ लगा दिस वे सो इस तरह से होता बच्चों अगर माइनस में वैल्यू आया तो कह देना फंक्शन से बेटे तू डिक्रीज हो रहा है प्लस में आंसर आया कह देना बेटा तू इंक्रीज हो रहा है तो ये चीजें हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन है सीटी और बोर्ड दोनों में आएगा और यही कॉन्सेप्ट है बेटा यही कॉन्सेप्ट है बहुत मजा आने वाला है एकदम ध्यान से देखना और क्या कॉन्सेप्ट है सर भाई मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा सर क्या ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सी माँ मिनी माँ मेरी माँ तेरी माँ हम सब की माँ बहुत अच्छी होती है लेकिन ये मैक्सिमा, मिनिमा क्या है सर संगा तुम्हें ठीक है मैक्सिमा, मिनिमा। ये मैंने सिखाया था बट फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ काफी दिनों के बाद आप मुझसे मिले हो ठीक है तो मजा आना चाहिए एकदम मजा आएगा रे बेटा देखो बेटा कोई भी फंक्शन की हम बात करेंगे सर ये फंक्शन बोले तो क्या हमारे इधर फंक्शन बोले तो शादी ब्याह और पार्टी बिटी रहती है बेटा मैथ्स के अंदर फंक्शन बोले तो एफ एक्स एक्स का कोई एक फंक्शन एफ एक्स ऐसे लिखते हैं अब ये ये जो फंक्शन है सपोज द दाइनस टू एक्स प्लस थ्री कोई एक इस तरह से एक फंक्शन है तो अभी इसके पीछे मैंने कैसे बताया कि कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए सिंगल डेरिवेटिव से काम हो जाता है सिर्फ एक बार डेरिवेटिव ले लेने का लेकिन 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 मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए दो बार से काम होता है एक बार में काम नहीं होता है दो बार डेरिवेटिव लेने का एट एट दो बार मतलब क्या कि ये जो फंक्शन है इसका पहला डेरिवेटिव लेने का फिर दूसरा तो लेने का क्या बोलते हैं सर दो बार अरे एक बार भी नहीं समझता ना ये तो दो बार करने का सर दोनों के लिए दोनों के लिए दो बार करने का एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री समझा तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या करे पहला एक्स स्क्वायर का टू एक्स टू एक्स का टू थ्री का थ्री का कांस्टेंट है ना जिसमें एक्स नहीं है जिसमें एक्स नहीं है वो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है दोस्तों तो ये जो थ्री है, है इसका डेरीवेटिव जीरो मालूम है बच्चे का फिर भी जिसको नहीं मालूम ए भाई जिसमें एक्स रहेगा उसको ही करने का डेरिवेटिव एक्स नहीं है उसको भी ऐसे नहीं कर देने का डबल डेरिवेटिव यानी ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बेटा टू एक्स का डेरिवेटिव टू माइनस टू में एक्स नहीं जिसका कोई नहीं उसका तो जीरो so, आ गया तो कोई भी फंक्शन का हमेशा दो बार डेरिवेटिव लेने का समझ में आ तो सर इसमें क्या करने का देखो कोई भी फंक्शन है fx, उसकी हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है मतलब उसकी एक्सट्रीम वैल्यूज निकालना है एक्सट्रीम ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है कम से कम कितना जा सकता है उसकी अवकात चेक करो कितने तक जा सकता है सो हाउ टू चेक द एक्सट्रीम वैल्यू सो यू पहले डेरिवेटिव को जीरो अवकात पता चलेगी कि ज्यादा से ज्यादा कितना है कम से कम कितना है यहां पर आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी हैव टू वैल्यूज ऑफ एक्स ओके दो वैल्यूज मिलेगी जिसमें से एक वैल्यू कोई भी होगी वो मैक्सिमा होगी और एक वैल्यू मिनिमा होगी समझ में आ रहा है फंक्शन और एक वैल्यू होगी इट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सर चेक कैसे करने का मैक्सिमा कि मिनिमा तो बेटा ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इससे चेक करने का ये टू आया ये सेकेंड डेरिवेटिव है ना पहचान बताता है कि वो कौन है तो देखो ये यहां पे उल्टा होता है अगर ये जीरो से छोटा है बट ये तो सर जीरो से बड़ा है अगर जीरो से बड़ा है जीरो से बड़ा है मतलब मिनिमम है कम है उल्टा है जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव है मतलब कम है मिनिमम है और अगर समझो इसकी वैल्यू ऐसे होती माइनस टू क्या होती माइनस टू अरे सुन रहा है न तू आंसर इज माइनस टू विच इज लेस जीरो मतलब समझ रहे हो ये मैक्सिमम वैल्यू है ज्यादा उल्टा रहता है इधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है जीरो से बड़ा है इंक्रीज हो रहा है जीरो से छोटा है निगेटिव है डिक्रीज हो रहा है बट इसमें क्या होता है सेकेंड डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है जीरो से बड़ा है मिनिमम है जीरो से छोटा है निगेटिव है मैक्सिमम है तो इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव डेरिवेटिव टेस्ट टेस्ट क्या कहते हैं इसको second, second पानी दे दो मैडम हो गए सो आरियो समझ में आ रहा है यह yes, सत्य माए हमारे बिहार बोर्ड से हैं तो हमें क्या नहीं पढ़ना है सर जी अब बेटा आपको जो मैं बता रहा हूं नहीं पढ़ना वही नहीं पढ़ना है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जितना मैं बता रहा हूं यहां की बुक रेफर करो बेटा ठीक है सो ये हो गया अभी ये सारी चीजें हम क्या करेंगे यहां पर ये जो पॉइंट होता है बेटा ये जो पॉइंट है इसमें से एक पॉइंट मैक्सिमम होगा एक मिनिमा और इस पॉइंट को वापस से इस एफएक्स में रखने का एक्स की जगह तो वो मैक्सिमा पॉइंट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा मिनिमा पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी आओ चलो, थम्स करते। सर कब से पका रहे हो MCQ लाओ मजा आने दो सो so, बच्चों के पहले तक के एमसीक्यू हमने कर लिए थे पिछले दो लेक्चर में ये जिसको 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 पिछले लेक्चर्स नहीं मिले मैं अभी देखो यहाँ पर चैट में एक लिंक दे रहा हूं श्च, श्च, लिंक प्रोवाइड करो एक लव टू पॉइंट जीरो के जितनी वीडियोस हो गए उनका लिंक दे रहा हूं बेटा उसको देख लेना चल दो हजार मैंने अच्छा बहुत से बच्चे बोलते सर क्या तुम सिखाते उतना इनफ है क्या क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन आए हुए जो आए वही ले रहा हूं रेयरली तुमको कहीं मिलेगा कि पूरे एम एस टी दो हजार चार से लेके दो हजार इक्कीस तक जो क्वेश्चन आए कोई कराएगा अरे मैं सब करा रहा हूं बेटा कब से करा रहा हूं बहुत सारा करा रहा हूं सो टेंशन लेने का नहीं ओके यस yes. अब ये जो है इस तरह से आपको मैं हमेशा आने वाला हूं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एम एस टी सी टी मैथर होंगे एंड ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे केमिस्ट्री सोविन सर आएंगे धमाल मचाएंगे यस yes. सो so, सबसे पहले शुरू करते हैं यहां पर ये पहला क्वेश्चन हम लोग दो हजार अठारह का ले रहे हैं अभी मैंने जो कंसेप्ट उसको ही फॉलो करेंगे सो यू हैव अ फंक्शन एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्स वन दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ एक्स अभी हमें बताना है कि अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है देखो कोई भी फंक्शन मैंने बताया इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है याद करो इंक्रीजिंग मतलब द फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आना चाहिए यानी कि इस एफेक्ट का मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका टाइप देखो उसका टाइप देखो टाइप क्या है ये अपॉन है यू अपॉन वी का डेरिवेटिव आता है क्या आपको देखो आपने यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल सीखा था यू अपॉन वी क्वेश्चन रूल सीखा था मैंने पहले ही कहा आपको डिफरेंशियेशन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए अगर डिफरेंशियेशन आएगा तो उसका एप्लीकेशन भी आएगा क्योंकि यहां भी इनडायरेक्टली डिफरेंशिएशन ही करना है सो मुझे ये चेक करने के लिए इंक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव लेना है तो u अपॉन वी क्या होता था याद करो पहले v लेते हैं इन टू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी डेरीवेटिव अपॉन ये जो वी होता है उसका स्क्वायर समझे चलो अप्लाई कर दो फटाफट वीर प्लस वन फिर डेरिवेटिव ऑफ वन हटा दिया चलो माइनस यू एक्स फिर डेरीवेटिव एक्सक्वायर प्लस वन टू एक्स लिख के दिखा रहा हूं बहुत से बच्चों को डायरेक्ट समझता नहीं है इसलिए नीचे एक्सक्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर अब ये आ गया सो so, एक्सैक्टली exactly क्या हो गया देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू एक्स और मिनट x, एक मिनट एक ये देखो क्या है वन एक्स स्क्वायर और ये देखो वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया समझ रहे हो और ये एक्सक्वायर प्लस वन हो गया बच्चों यस तो यू आर गेटिंग ये देखो ये है, वन है एक्सक्वायर माइनस टू एक्सक्वायर माइनस एक्स स्क् अपॉन ये इतना लिखने की जरूरत नहीं बट समझाने के लिए बता रहा हूं क्वेश्चन कहता है क्या कहता है सर क्वेश्चन है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग मतलब आप क्या करोगे ग्रेटर देन जीरो अब ये ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये जो एक्सक्वायर प्लस वन है मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए अगर एक्सक्वायर की वैल्यू माइनस वन हुई तो माइनस वन प्लस वन जीरो जीरो स्क्वायर जीरो तो ये इनफिनिट हो जाएगा नॉट डिफाइंड तो पहला तो कंसेप्ट ये दूसरा की नीचे देखो ये स्क्वायर है ये क्या है स्क्वायर है स्क्वायर मतलब किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है अंदर निगेटिव नंबर आए तो भी पॉजिटिव प्लस आए तो भी तो यानी कि ये स्क्वायर है ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर डिपेंड है ये यानी कि जो न्यूमरेटर है दैट शुड बी ग्रेटर देन इसका मतलब क्या माइनस एक्सक्वायर वहां गया तो वन इज ग्रेटर देन स्क्वायर इसका मतलब क्या आगे पीछे घुमा के लिखते स्क्वायर इधर लिखा समझ रहे माइनस वन और वन के बीच में माइनस वन कॉमा वन ये हमारा आंसर है अब आप चेक करो आपके आंसर में चेक करो माइनस वन कॉमा वन किधर है ये देखो डी में है यस yes, आ गया सो so, मैंने आपको इतना डिटेल में करके बताया ये चीजें आपको शॉर्टकट में करनी है रफ में करना है सर कंप्यूटर पे कैसे करने का देखो आपकी एग्जाम है कंप्यूटर पे होने वाली है समझ में आ रहा है कंप्यूटर पे होने वाली तो आपको रफ पेपर मिलेगा ब्लैंक पेपर आप मांग सकते हो जितना चाहिए उतना मांग सकते हो पेन लेके जाने का ये सब रफ में करने का अब ये एग्जैक्ट डिटेल तरीका है आप ये सब काम है ना मन में करके समझने का इतना स्टेप लिखने का नहीं अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार सीख रहे हैं कुछ को पूरा आता है कुछ को नहीं आता इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ इतना डिटेल में नहीं करने का जितना होता है शॉर्ट करने का और ये शॉर्ट भी मैं अभी सब बताऊंगा धीरे धीरे है ना पहले ही लेक्चर में चक्कर ना आ जाए बच्चों को तो ये कंसेप्ट समझो सब समझ में आएगा टू थाउजेंड एटीन का और एक क्वेश्चन है देखो और एक क्वेश्चन है देखो पटाफट -पटा आ जाओ कोई भागेगा नहीं ओके कोई भागेगा नहीं ओके चलो

इस कर्व को इस कर्व को छूके जाने वाले का टेंजेंट जो है उसका स्लोप पता है एम पता है और कभी भी याद रखना कि किसी भी कर्व का डेरिवेटिव लेंगे ना दैट इज इक्वल टू डीवाई होता है ये बेसिक है ये डायरेक्ट आप समझ गए इतना लिखना लिखना नहीं है अभी हम क्या करेंगे जो कर्व का डेरिवेटिव लो एंड दैट कर्व डेरिवेटिव शुड मैच टू दिस फोर इसका डीवाई बाई डीएक्स निकालो उसको स्लोप फोर रख दो यहां से फोर निकाल के इसमें रख दिया तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं जैसे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई बट वाई का अगेन डेरिवेटिव विद डेरीवेटिव रेस्पेक्टीएक्स एक्स क्यूब एक्स क्यूब का डेरीवेटिव थ्री एक्स स्क्टेंट ऐसे ही रखा अगर कोई कॉन्स्टेंट एक्स के साथ चिपक चिपक आता आता है क्या आता है के छिपक क्या रखने का बट कोई बेचारा अकेला है बिल्कुल तुम्हारे जैसा जैसे यहां पर बी है बी का कोई नहीं उसका डेरिवेटिव जीरो हटा दिया ठीक है ये याद रखना है सो so, ये आ गया हमारा अभी यहां पर डीवाई बाई डी एक्स निकाल आई कैन राइट डीवाई बाई डी एक्स ये थ्री एक्स स्क्वा टू वाई चलो ये स्लोप है ये कितना है dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप बट दिस स्लोप इज गिवन एज फोर समझ आ रहा है अभी यहां पर एक पॉइंट भी है x और y दिया है टू कॉमा थ्री तो हम क्या करेंगे ये x की जगह टू और y की जगह थ्री रखेंगे तो ये आ जाएगा थ्री ए एक्स की जगह टू रखा तो टू y की जगह पे थ्री रखा थ्री <coughs> 3 से थ्री कैंसिल फोर कैंसिल प्लस टू भी लाना है सर अरे ए आ गया अभी शॉर्टकट में बी निकालो क्या करेंगे डायरेक्ट इस ए की वैल्यू कहा रखेंगे ये जो क्वेश्चन में इक्वेशन है ना इसमें रखो ये है ना यहां से आप बी निकाल लो कैसे निकालेंगे सर बेटा देख x और y मुझे पता है टू थ्री x मुझे पता है टू y पता है थ्री a मैंने अभी यहां निकाला था टू तो a आ गया टू प्लस बी पता नहीं आ जाएगा डायरेक्ट करते थ्री स्क्वायर नाइन टू क्यूब एट एट टू सा एक मिनट y स्क्वायर कितना था y थ्री थ्री स्क्वायर नाइन a a कितना है टू फिर एक्स क्यूब एक्स इतना टू टू क्यूब एट एट टू 16 और प्लस बी समझ में आ रहा है अब ये देखो ए और बी आ गए माइनस सेवन नाउन टू पॉइंट सेवन ए प्लस टू बी सो कैसे करेंगे देखो सेवन ए प्लस टू बी सेवन ए सेवन इंटू टू प्लस टू इंटू बी बी इज माइनस सेवन

तो भी आपको दो मार्क्स मिलेंगे एक एक क्वेश्चन दो मार्क देने वाला है आपको एक एक क्वेश्चन दो मार्क के लिए ओके चलो आगे नहीं पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा क्या नहीं दिख रहा है क्वेश्चन है बेटा सेवन ए प्लस टू बी ओके चला इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन में आते टू थाउजेंड एटीन का अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे दो हजार अठारह में आया हुआ

तो यहां पर दो हजार अठारह में तीन क्वेश्चन अभी दो मैंने बता दिया एक ये है एक दिन में एक चैप्टर का तीन क्वेश्चन आया था एक ही दो हजार दो हजार उन्नीस के बाद ऑनलाइन एग्जाम हो गई टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद तो क्या होता था अलग अलग जैसे चार पांच दिन सिटी चल रहा कोई सुबह दे रहा है कोई शाम को दे रहा है फिर कोई कल की सुबह दे रहा है कोई कल की शाम को दे रहा तो हमारे पास ना दो हजार उन्नीस दो हजार बीस इक्कीस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल है समझ में आ रहा है एग्जाम का मीडियम इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बेटा इंग्लिश में ही रहेगा ओके okay, बेटा जो भी पूछ रहे अजय इंग्लिश में पेपर आएगा द द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ओ ओ देखो ये अब आपको याद रखना है देखो मैं रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ सब अलग अलग टॉपिक है मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का देखे अभी मैक्सिमम मिनिमम कैसे देखने का देख बेटा अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोला है एफ एक्स दिया है अभी एफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल एक्स लॉग एक्स तो ये यू इंटू वी है बेटा एक्स इंटू लॉग एक्स यू इंटू वी क्या एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव डेवेटिव प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का derivative, 1. खच, खच, लगा. ओके? तो, कट गया तो ये मेरा एफ आया अब मुझे बोला है मिनिमम वैल्यू देखो आपको पता है कि कभी भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला तो क्या करने का उसका पहला डेरिवेटिव जीरो करने का हमेशा तो ये एफ डैच एक्स जीरो समझ आ रहा है तो ये वन इधर आया अभी यहां पर एक मिनट एफ एक्स एक्स लॉग एक्स यू इंटू वी हमने ये कर दिया अभी यहां पर हम क्या करेंगे वैल्यू आई ई रेस्ट टू माइनस वन यानी क्या होता है वन अपॉन ई होता है तो हमें सर दो वैल्यू आनी चाहिए बट एक ही वैल्यू आ गई यानी कि समझे नहीं समझे सर आपने तो बोला दो बार डेरिवेटिव करने का, पर पर का तो जरूरी नहीं है आप पहला डेरिवेटिव करो अगर दो आंसर आ रहा है एक्स का तब तो हमें चेक करना पड़ेगा कौन किसका है समझ में आ रहा है कि नहीं तो यहां पर आपको बोला था मिनिमम मतलब ये मिनिमम ही रहेगा समझे नहीं समझे अगर दो आता ना तो एक मिनिमम एक होता बट एक ही आंसर आ रहा है एक्स का मतलब लेकिन अब यहाँ पर हमें मिनिमम देखो ये जो आया इसको मिनिमा बोलते हैं क्या बोलते हैं यानी कि मिनिमम के लिए पॉइंट है द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम वो एक पॉइंट है वो एक जगह है जिस जगह पर उसकी पॉइंट कम रहेगी उसका वैल्यू कम रहेगा तो वैल्यू कितना रहेगा तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स एफ इस एक्स की जगह ये पॉइंट रखने का हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब इस फंक्शन में इस एक्स का वैल्यू रखने का बहुत से बच्चे सी बोल रहे होंगे सी आंसर राइट नहीं है e देख के लग सी बताने। हमें अगर बोलता है मिनिमा क्या है किस पॉइंट पे मिनिमम तब सी आता यहां पे यहां पे एक्स की जगह एक्स लॉग एक्स तो एक्स लॉग एक्स क्या आ गया अब इसको सोल्व करो ऐसा कुछ आंसर दिख रहा है नहीं सर लॉग तो, तो गायब है सोल्व कर दे ये e ये हो जाएगा लॉग वन अपॉन ई को लिखेंगे ई रेस्ट टू माइनस वन ये लॉग क्या करता है खींच लेता है रे बाबू माइनस वन को खींच लेगा ये किसी को आगे जाने नहीं देता बोल मेरे से आगे कोई जाने का नहीं अगर किसी की सेंडी में कुछ ऐसा है तो खींच लेता है ये माइनस वन है इधर आएगा माइनस वन इंटू दिस माइनस वन अपॉन ई फिर ये लॉग ही बच जाएगा हमेशा वन होता है याद रखना तो लॉगी वन अट गया माइनस वन अपॉन ई किधर है देखो है क्या हमारे आंसर में ए ऑप्शन राइट है समझ में आ रहा है क्या बच्चे कोई बोल रहेगा ओह बहुत सारे संकेत बोल रहे भाग्यश्री निक्की हिमांशु अमित क्या बात है यस जबरदस्त प्रथमेश यस रमन शुभ शुभम मयूरी वली पाशा कितने सारे बच्चे आज लेक्चर में आए एक कसम खाओ कि कोई लेक्चर नहीं छोड़ेंगे एकलव्य बैच का जिसने ये कसम ली और उसको पूरा किया भाई मेरे मैं बता रहा हूं ना तेरा ड्रीम कॉलेज तुझे मिलने वाला है बस ये देख ये तू है और ये ड्रीम कॉलेज है और बीच में ये एकलव्य बैच है जो ब्रिज का काम करेगा तुझे ये एकलव्य बैच तेरे ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने में मदद करेगा So, हम वो ब्रिज है बिल्कुल फ्री है भाड़ा नहीं है रेंट नहीं है सवारी एकदम फ्री में लेके जा रहे तो भाई तू क्यों यहां वहां देख के कंफ्यूज हो रहा है रोज आना एकदम मजा आएगा दो के क्वेश्चन यहां पर हुए खत्म ओके okay? अब ये टू थाउजेंड टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन हम ले रहे हैं ओके okay? एक ही स्लाइड दो बार लग गई थी बच्चों अब यहाँ से 2019 से ऑनलाइन एग्जाम है मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो चूहे की मदद से एग्जाम देना पड़ेगा चूहा चूहा से आ गया सर अरे मतलब कंप्यूटर का उसके ऊपर उंगली रखना है और उंगली का कमाल दिखाना है समझ रहा है सर मुझे तो कंप्यूटर ही नहीं आता मैं तो गांव में रहता हूँ मैं गाँव रहता सर मैं कभी कंप्यूटर बगित पड़ना है पहला पड़ना है अरे भाड़ा जर तू तो कंप्यूटर बगित नी तुला कहीं फिर पॉइंटरलाउस ने ए बी सी डी वर परफेक्ट एंसर बी है तर वर क्लिक कराए बस एवड तीत प्रोग्रामिंग लिया समझ में आ बच्चो टेंशन लेने का नहीं कसम खा लिया बहुत से बच्चों ने यस ओके सुमित कहता है उंगली करना है कंप्यूटर के माउस पे बेटा कंप्यूटर के माउस पे लिख रहा है तू उंगली करना है यस सही जगह पे सही उंगली करोगे तो बहुत आगे जाओगे ओके, okay, गलत जगह तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगी अभी देखो एक 2019 में ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम एग्जाम चालू हो गई, अभी भी आपकी होगी। कुछ बच्चे कल भी पूछ रहे थे यार मेरे सेशन में क्या पूछ रहे थे एग्जाम कब है एग्जाम है? है अरे कब है एग्जाम अरे बेटे तुझे तो पता है बोर्ड एग्जाम बारहवीं की मार्च में है है सर वो तो कैंसल होने वाली है ना अब तू अफवाहों में पढ़ा है और देख देख अफवाह में मत पढ़ बोर्ड एग्जाम होने वाली है इस बार ओके स्कूल बंद किए थे गवर्नमेंट ने पब्लिक भड़क गई लिए स्कूल चालू करो आज ही वीडियो डाला है मैंने स्कूल चालू हो रहे दसवीं बारहवीं कोई छुट्टी नहीं एग्जाम होने वाली है मई के लास्ट वीक में या तो जून के पहले हफ्ते में तेरी एग्जाम होगी बोर्ड एग्जाम के पहले बहुत कम टाइम मिलेगा तो अब भी से चालू कर दे तेरी तैयारी समझ में आ रहा है आगे आगे कसम खाया बहुत से बच्चों ने देख भाई कसम तोड़ना नहीं ओके थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्सक्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स प्लसिमम वैल्यू देखो यहां पर दो चीजें पूछेगा क्वेश्चन सेम रहेगा

अभी सर बोला था एफ का पहला डेरिवेटिव जीरो लेने का कशाला एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी बोले इधर कुछ कॉमन है नाइन कॉमन है नाइन से डिवाइड कर नाइन से डिवाइड किया ना सर ठीक है दसवीं का याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टुकड़े करने का फैक्टर्स एक से एक लिखने का ऐसा दो नंबर दो थ्री आना चाहिए टू आना चाहिए सर आता ना थ्री वन जा थ्री थ्री में से वन गया टू बीच वाला माइनस बड़ा माइनस छोटा प्लस 3 1. So, आ गया अब इधर की दो वैल्यू आएगी माइनस थ्री उधर गया तो प्लस थ्री एक्स की वैल्यू आएगी प्लस वन उधर गया तो माइनस वन मतलब समझे यहां पर हमको चेक करना पड़ेगा डीएनए टेस्ट कौन किसका है कौन मैक्सिमम देगा कौन मिनिमम देगा चेक कैसा करने का देख डायरेक्ट इसका सेकेंड डेरिवेटिव में कर पटपट नाइन एक्स स्क्वायर का एटीन एक्स 18x का 18 ये आ गया और 27 का 0 ये सेकंड डेरिवेटिव आया इधर x की वैल्यू 3 अगर रखेगा 18 3 से 54 माइनस 18 समझ में आ रहा है 6 4 में से बन गया 3 36 0 से ग्रेटर आया मतलब ये मिनिमा है पॉजिटिव है ना उल्टा रहता है ना ये प्लस में आ रे ये मिनिमा है ये माइनस रखेगा माइनस 1 एक्स की वैल्यू माइनस वन तो माइनस एटीन माइनस माइनस थर्टी सिक्स आएगा माइनस वन पे तो ये मैक्सिम है हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना अब एक्स की वैल्यू माइनस वन है ना इसमें रखने का एफ माइनस वन ये जो एक्स है ना उधर माइनस तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू माइनस माइनस नाइन माइनस वन इंटू माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस कितना आ गया बाबू माइनस थ्री माइनस नाइन दोनों माइनस ट्वेल्व हो गया पच्चीस और पंद्रह चालीस और बेचालीस हो गया फोर्टी टू फोर्टी टू में से ट्वेल्व माइनस किया थर्टी प्लस थर्टी आई क्या माइनस यस डी ऑप्शन इज राइट है क्या लाएगा किसी ने सब करने का मेरे भाई बीबी यार बीबी कौन बोला ये बीबी कशल शुभम बीबी कर रहा है इधर है बीबी कर रहा है ओके बीबी -बी नहीं है कोंडकर ने ड्रॉप लिया बेटा कोई बात नहीं यस ये, ये अगर मैक्सिमा पूछता है ना बेटा मैक्सिमा कि मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे तो ये आंसर आता बट हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है वैल्यू के लिए हमेशा ये एफ एक्स के अंदर ये जो पॉइंट है मैक्सिमा का पॉइंट वो पॉइंट रख के उसकी वैल्यू निकाल ले अगर एक्स की जगह थ्री रखेगा तो तुझे मिनिमम मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू ओके अंश कहता है आप समझाते हो तो लगेज समझ में आता क्या बात है क्या बात है लगेज समझ में आता है ओके <coughs> 2019 अब आ रहा है ना मजा देखो अभी आई से वर्ड वाले क्वेश्चन आए थे ना ओए पुष्पा मूवी देखेगा पुष्पा अरे ओ पुष्प राजुकेगा देखेगा ना, देखे ना मराठी वर्जन गाना गाने वाला तुम्हारे लिए विजय खांडेकर का मराठी वर्जन पूरा देखते रहो लास्ट में गाना गाएगा तुम्हारे लिए मैं मराठी वर्जन विजय का ओके श्रीवल्ली गाना गाएगा मैं मराठी में गाएगा तुमने पिक्चर तेलुगु तमिल कन्नड मे रहेगा तू बघितलं असेल हिंदी मध्ये मूवी मराठीत मूवी नव्हत तरी पण आपण मराठीत गाणं गाना गाणार श्रीवल्ली सॉंग पण तुझ्यासाठी फक्त पण शेवटी लेक्चर च्या ओके कोई ने बक्के। गाना सुनने के गाणं सुनने ओके सर मराठी मे कैसे गाणे का बरे गुरु येस इज ड्रॉप इन टू अ पॉन्ड तुम लोग भी नदी किनारे जाते है तालाब में जाते है पत्थर उठा के नदी में डालते हैं और वहां पे रिंग बनता है ओके रिपल्स आते हैं ये तालाब में पत्थर डाला अरे वाह रिपल रिपल सर्कुलर फॉर्म में उठ गया उठा ना उठा ना पत्थर फेंकते हैं ना ऐसा छिप्पी मारते हैं सब पानी पे से उड़ उड़ के जाता किसका ज्यादा टप्पा हुआ ना वो जीतेगा यस जिसका ज्यादा टप्पा हुआ ना वो वो जीतेगा तो चलो एक पत्थर पॉन्ड में डाला कितना भी बड़ा है देख के डरने का ना क्वेश्चन के अंदर से उसकी मलाई निकलने का बोले तो क्या जो ये टर्म्स दिए वो क्या क्या दिए है तू फिजिक्स कर रहा है मैथ्स कर रहा है केमेस्ट्री हर एक में ऐसे ही करने का ओके एरिया इंक्रीज आफ्टर टू सेकेंड मतलब टाइम दिया है टाइम अगर टू सेकेंड है तो एरिया इंक्रीज मतलब जो एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया वो कितना एरिया इंक्रीज आफ्टर टू सेकेंड देखते देख बेटा यहां पर अगर बात करेंगे सर्कल है सर्कल सर्कल का एरिया क्या होता है पाईआर स्क्वायर

तो so, ये फाइव आ गया समझ में आ रहा है तो आंसर क्या है फाइव टेन फाइव फिफ्टी टू दंड्रेड पाई खत्म हंड्रेड पाई है क्या देख ले हंड्रेड पाई आंसर वेर इज आंसर आया क्या बच्चों का अरे वाह तो यहां पर राम आ गए नगर तो महेश ओके राम नॉलेज गौरी संदीप ओके वेरी गुड बेटा वेरी गुड ए आंसर कितना सिंपल होता है वर्ड प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम देख के बच्चे डर जाते हैं ओके समझ समझ में आ रहा है? समझ में आ आ रहा रहा है है तो वर्ड प्रॉब्लम देख के डरेगा बिल्कुल नहीं डरेगा आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए अभी देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिए पहला टॉपिक होता है बेटा कितना टाइम हो गया ओ ओ जाने का समय हो गया मेरा नौ बजे लक्ष्य बैच भी है थोड़ा और एक दो क्वेश्चन कर लेते यार

ओ अंकल इधर ई कैसा लिखा है क्या करने का सर डर लग रहा है अब लॉग है तो ई रहेगा ही ना समझ रहे है कि नहीं ये ई रहता ही ये तो समझो डीवाई बाई डी एक्स आएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया बराबर है अभी यहां पर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व तो ये क्या आ गया स्लोप आ गया वन बाई एक्स स्लोप आ गया डीवाई बाई डी एक्स का मतलब ही स्लोप होता है अभी स्लोप बट पॉइंट भी दिया वन का जीरो तो ये एक्स और ये वाई रहता है एक्स वन है तो कितना आ गया वन अपॉन वन मतलब वन आ गया समझा क्या स्लोप कितना आ गया बेटा वन स्लोप कितना आ गया वन बट ये स्लोप कैसे आता है कर्व का जो हम स्लोप निकालते हैं डेरिवेटिव वो टेंजेंट का आता है किसका आता है बेटा टेंजेंट का आता है बट अपने को किसका चाहिए नॉर्मल का चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप कैसे करते हैं माइनस वन अपॉन एम करते बेटा माइनस वन अपॉन वन बोले तो माइनस वन अभी देख कोई भी इक्वेशन कैसे निकालते वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये मैं लिखना नहीं है तुम्हें ये याद रखना रखने का बोले तो वाई वन और वैल्यू आएगी सर देख इधर है यह वाई वन वाई वन जीरो माइनस वन अपन जो स्लोप निकाला था वो कितना आया था माइनस वन ये है माइनस वन बस ये रफ में तू जितना शॉर्ट होता शॉर्ट कर रहे ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूं माइनस अंदर गया माइनस प्लस वन माइनस चलो सुजल हमारा ओल्ड स्टूडेंट आ गया भाई तुम लोग भी आओ मजे लो यार तुम लोग की याद मुझे बहुत तड़पाती है तेरी याद सता है तेरी हाय हाय याद सता है तेरी जो बच्चे हमारे यार पिछले साल के थे यार बहुत मजा करते थे यार एक एक लेक्चर में पचास पचास हजार बच्चे रहते थे यार मैराथन लेक्चर में हर लेक्चर को ट्रेंडिंग पे पहुंचाया था पिछले साल क्या यादगार बना दिया था पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था ठीक है तो भाई बहुत मजेदार बच्चे थे और होप्सो इस साल के बच्चे उससे डबल मजेदार होंगे ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई एकदम डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करेंगे ओके बच्चों तुमने कसम भी खाई है जुटी कसम खाने वाले मत खाना रे पार्टिकल मूव सो पार्टिकल है डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स इज आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ मतलब ओ ओ समझू कि ना एक पार्टिकल है मैं खुद एक पार्टिकल हूं आई एम ओनली अ पार्टिकल और मैं मूव हो रहा हूं तेने सो अ पार्टिकल इज मूविंग सो हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस के बाद कितने डिस्टेंस के बाद वो जो पार्टिकल है रिवर्स आना चालू करेगा समझ में आया क्या सो टू गेट द वैल्यू एट वॉट डिस्टेंस पार्टिकल इज रिवर्सिंग फर्स्ट आई द पॉइंट वेर इट स्टॉप मुझे पता लगाना है कि ये पार्टिकल रिवर्स कब आएगा तो देखो कोई भी हो अगर वो आगे चल रहा है गाड़ी भी चल रही है तो वो आगे चल रहा है और रिवर्स लेने के लिए उसको एक बार रुकना पड़ता है मुझे ये निकालना है कि ये पार्टिकल आगे जाते जाते रिवर्स कब मार रहा है? जब भी रिवर्स मारेगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी अब ये उसका डिसप्लेसमेंट है एक्स तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे बैटरी रुको चेंज करते ओके okay, देखो क्या करेंगे टू चेंज करो चेंज करो यस yes, यस yes, सोविन सर केमिस्ट्री का एक लव्य बैच कल से आएगा कल रात को आठ बजे यही टाइम होगा यही अड्डा होगा ओके ओके केमिस्ट्री कल इसी बोर्ड पे यही पे सर लेने वाले बहुत मजेदार तरीके से खुश तो बहुत हो गए तो. तो हमें वो पॉइंट निकालना जब वेलोसिटी सिटी जीरो है तो पहले <coughs> हम वेलोसिटी वेलोसिटी निकालने के लिए रेट ऑफ ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो है? है. इसको मैं जीरो लूंगा ज्यादा लिखने का नहीं उसके अंदर ही कर देने का तो क्या आएगा इसको थ्री टी स्क्स तरफ गया तो ट्वेंटी सेवन थ्री से डिवाइड किया तो टी स्क्वायर रूट थ्री प्लस माइनस टाइम निगेटिव नहीं लेने का भूतकाल में नहीं जाना है टाइम टाइम इज तो ये टाइम बट हमें टाइम निकालना है क्या नहीं हमें क्या निकालना है डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस मतलब अभी हमने ये पता किया कि थ्री सेकेंड के बाद वो रुक जाएगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी थ्री सेकेंड के बाद और वो रिवर्स आना चालू करेगा सो so, उस सेकेंड पे ये एक्स कितना ये निकालने के डिस्टेंस बोला सो एक्स वैल्यू अभी ये टू अभी टी के जगह पे थ्री रखना ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री फिर माइनस टी क्यूब, थ्री क्यूब मतलब थ्री 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 ट्वेंटी सेवन टू और माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस 30 27th इधर करे 81 आ जाएगा ओके इस तरह से <coughs> तो कितना आ गया 11 में से 5 गया 6 7 में से 2 गया 5 प्लस 56 प्लस 56 दिस, दिस इज द दिस डिस्टेंस दिस और ये हमारा सी आंसर राइट है है कोई किसी ने पकड़ा है क्या ओके अरे यार तुम लोग यहाँ पे श्रीवल्ली क्यों लिख रहे हो ओके गाना देख गाना सुनने के लिए रुके क्या तुम लोग ऐ झुकेगा नहीं ओके जब तक एम एस सी टी एम एस टी सी टी एग्जाम होगा नहीं दिनेश सर रुकेगा नहीं और तू झुकेगा नहीं समझ में समझ में <coughs> मुकेश सर का बेटा कल लेक्चर है कल छह से सात फिजिक्स का लेक्चर है मुकेश सर का और रात को आठ से नौ केमिस्ट्री है कल मैं वापस परसों आऊंगा मैं वापस आऊंगा आगे के कंटेंट लाऊंगा मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी दूसरी बैच है अभी नौ बजे बारहवीं की हमारी लक्ष्य बैच ओके okay, तो फिर भी हम थोड़ा सा और देख लेते तुम्हारे लिए यार क्वेश्चन बहुत है अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये कल से लेता हूं अच्छे से तो समझाऊंगा ओके okay, कैसा लगा लेक्चर पहले ये बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा जो भी ड्रॉपर बच्चे रेगुलर बच्चे सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे यार हाउ यू आर फीलिंग कैसा लगा अच्छा लगा नहीं लगा इसकी पीडीएफ ये पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगी यहां पर आपको पिन किया हुआ एक दिख रहा है प्ले उस प्ले में पिछले लेक्चर से हमारे पीछे के जो दो तीन चैप्टर हुए और टेलीग्राम एक टू जीरो का जो लिंक है उस टेलीग्राम टेली ग्रुप, टेली ग्रुप में क्या होगा आपको सारे लिंक मिलेंगे टाइम टेबल वगैरह हमने कम्युनिटी में पेस्ट किया हुआ है सेंड किया हुआ है ओके यस ओ पी लिख रहा है एक नंबर खदरनाक ये yeah, डीपीपी मिलेगा अभी आपका ये लेक्चर खत्म हो रहा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी थोड़े देर के बाद और थोड़ी देर के बाद अभी आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक पी आएगा जो डीपीपी होगा आज जो मैंने पढ़ा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे उसको सॉल्व करना है प्रैक्टिस करना है समझ में आ रहा है और फिर कल उसका आंसर भी हम लोग भेजेंगे तुझी झलक वी श्री वल्ली यस yes, तो बहुत ज्यादा नहीं गाएंगे नहीं तो फिर कॉपी ना आ जाए इसका डर है भाई ओके तो थोड़ा सा है भाई बहुत अच्छे मूवी है पुष्पा जरूर देखे मैंने तो तेरह लोगों के साथ देखी ओके जब आया था तभी ओके तो हो गया अभी मैं ज्यादा नहीं गाऊंगा ओके फिर नेक्स्ट लेक्चर में श्योर sure, पूरा गाना गाएंगे दो तीन लाइन आप लोग इतना डिमांड कर रहे हैं मजा आएगा एकदम एंटरटेनमेंट होगा गाने होंगे डांस होगा मिमिक्री होगा लेक्चर ज्यादा होगा पढ़ाई ज्यादा ओके okay. डीपीपी दे रहा हूं ओके okay. और उसका सोल्यूशन भी आएगा क्वेश्चन भी आएगा चलो मिलते हैं बाय बाय एवरीवन एवरीवन आना भागने का नहीं अगर तुम लोग गए तो मैं किसको पढ़ाएगा रे भागने का रोज आने का कल केमिस्ट्री आठ बजे छह बजे मुकेश फिजिक्स है ओके okay. परसों वापस आ रहा हूं मैं ये डाल दिया डीपीपी का लिंक डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप में डीपीपी आएगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन uh, में भी लिंक आएगा ओके सो बाय टेक केयर चैनल पर पहली बार जो आए सब्सक्राइब कर दो और अपने अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा शेयर करना भाई बता दो बता दो एकदम बता दो पूरे गांव वालों को सबको कि भाई एक लवे बैच आ गई है अब कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा हर एक बच्चा नैया पार लगाएंगे ड्रीम कॉलेज ले जाएंगे हम पांच पांडव आए हैं कार्तिक मुकेश सर सोविन सर बालाजी सर और दिनेश सर सब कुछ मिलेगा फ्री में मिलेगा सो बाय एवरीवन टेक केयर बाय 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 बाय